3 फीट जमीन के लिए 3 वर्षों से चल रही है लड़ाई, अभी तक नहीं हुआ पहल, मामला पहुंचा बेंगाबाद थाना। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद, जहां पूरे बेंगाबाद थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में सैकड़ों लोग उलझे हुए, वहीं एक मामला प्रकाश में आया है। विगत 3 वर्षों से आपसी रंजिश और दुर्भावना से ग्रसित होकर दोनों पक्ष परेशान है। मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के घुटिया छछनदोग गांव से संबंधित है। बताया जाता है आरती देवी वगैरह और राजू सोनार वगैरह के बीच विवाद चल रहा है। इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा कई बार पहल किया गया, फिर दोनों पक्ष अपने अपने दावेदारी को लेकर फिर भी अड़े हुए हैं। स्थानीय गणमान्य प्रबुद्ध लोगों के अलावे जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले को सुलटाने का प्रयास किया, लेकिन मामला अब तक नहीं सुलट पाया। वहीं बीते सोमवार को विवादित जमीन 3 फीट दीवार गिरने को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की भी बात सामने आ रही है। वहीं दोनों पक्षों के द्वारा बेंगाबाद थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर शांति व्यवस्था बनाकर मामले को पहल करने के प्रयास में जुटी हुई है। जरूरत है स्थानीय जनप्रतिनिधियों को गंभीरता से लेते हुए सच्चाई की तह तक जाकर मामले को निष्पादन करने की। आइए देखते हैं जब बीएनबी ने दोनों पक्षों से बात करने पर क्या कहा। आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी बताएं क्या मामला है। मामला है यहाँ सरकारी अमीन जो है सो बजा दिया है। हम आज 3-4 साल पहले ही बाउंड्री दिए नापी करके। जी नापी करके बाउंड्री दिए हम। घर पहले घर उसी का बना, मेरा अगेंस्ट परिवार बिसुन राणा का। जी वो घर बना लिया, उसके बाद में जो है सो हम बनाए ए वाला घर। जी घर बनाए उसके बाद जो है सो ई नया घर जो अभी बन रहा है वो बना रहे हैं। अभी क्या हुआ कि विनोद राणा सरकारी अमीन बन करके आया और आ करके वो 1.5 फीट उधर घुसा दिया उ कोना में कि नहीं, 609 में 1.5 फीट जमीन कोना घुस रहा है। जी यहाँ 1.5 फीट लिख लिया और वहाँ जा करके वो रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं 3 फीट घुस गया। इसी के चलते मामला बढ़ गया है। जब तक प्राइवेट अमीन से नापी जोखी करके घर बना था तब तक कोई मामला नहीं था, शांत सब घर बन रहा था और चल रहा था। वो विनोद राणा जिस दिन आ करके 3 फीट जब नाप दिया उसी दिन से मामला चल रहा है। और वो जो वो है सो बोल रहा है कि नहीं 3 फीट हमारा हम ले लेंगे। हम उसका 3 फीट उधर घुसा दिया है और हमारा दक्षिण तरफ जो है से 6 फीट घुसा दिया है। रिपोर्ट में वो जो है सो 3 फीट लिख दिया और 6 फीट हमारा वाला ने लिखा। लिखने के बाद जो है सो ये लोग मन बढ़ू कर रही है। सारा लोग जो है सो पहले से ही गाली गलौज करती रहती है कि नहीं हमारा जमीन छोड़ दो, हम ले लेंगे। कल हम बोले कि आप तुम हमारा ले लेगा तो हमारा भी 6 फीट निकला, हमारा भी दे दो। वहाँ ठीक है, तुम्हारा जहाँ निकलता है वहाँ तुम ले लो, हम जहाँ निकलता है हम ले लेंगे। इतने बात पर ही चल रहा है। अभी कुछ नहीं हुआ, उसके एक कुछ दिन पूर्व जो है सो दुलारी देवी और आरती देवी मेरा गैता और कुदार से दीवार तोड़ रहा था तो हम लोग घर में थे। हम लोग आए उसके बाद में वो लोग चल गई तो मामला फिर वहाँ शांत हो गया। फिर अभी जब हुआ, जब मामला कुछ दिन शांत रहा, अभी क्या किया कि सब अपना देवर सीताराम, बेटा प्रकाश राणा, उज्जवल कुमार सबको बुला लिया। और कल हम लोग घर में नहीं थे, सारा दिवाली जो है सो गिरा दिया। कौन तोड़फोड़ किया? तोड़फोड़ किया आरती देवी जी, दुलारी देवी, मिठू राणा, नारायण राणा, सीताराम राणा, प्रकाश राणा, उज्जवल राणा, आरती देवी और दुलारी देवी, और उसमें शामिल पुष्पा देवी भी है और आरती देवी भी है, रीता देवी भी है। ये लोग जो है सो सभी मिल करके, हम लोग घर में थे ना, इधर अकेला जान करके और मेरा पूरा दीवार गिरा दिया। यहाँ हम लोग तो पुराना घर में थे, कोई यहाँ थे नहीं। दीवार इधर हमारा मम्मी आई, देखी कि केवल खुला हुआ है गेट खुला हुआ है, देखी
उसके बाद में सीताराम राणा इसको मारा एक झापड़, ये गिर गई चिल्लाने लगी। तब तक हमारा जो है सो दोनों आया, घर का जो लेडीज है वो आई, आने के बाद हल्ला की, तब तक ये लोग जो है सो इधर ये घुस गई, इधर ये घुस गई, सब सब अपना अपना घर में घुस गई। क्या नाम हुआ आपका? मामला यही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेंद्र सुनार। कहाँ हुआ घर? घुस गया अपना घर में घुस गया। कहाँ हुआ आपका घर? मेरा घर यही है। कहाँ, कौन सा घुटिया? घुटिया जी, छंदो। लगाया जा रहा है जो दीवार गिरा दिए हैं उस पर क्या कहना? सर हम लोग का यही कहना है कि हम दीवार नहीं तोड़े हैं, हम लोग को झूठा आरोप दे रहा है। 5 बजे ये लोगों ने देखा, गाली गलौज करने लगा, हम लोग कुछ नहीं बोले, मुखिया आया, मुखिया देखा, देखने के बाद ये लोगों ने गया थाना में कागज डालने के लिए, आवेदन देने के लिए। तो मुखिया बोला तुम भी जाओ आवेदन, आवेदन दे करके हम लोग घर आए। घर आने के बाद में ये लोगों रास्ते में छेड़छाड़ किया, मारपीट किया, घर आ गए, घर घुस के मारपीट किया। राजू सोनार जो था, भाजू सोनार, उसका बेटा था विजय सोनार, दो बेटा है राजू सोनार का, विजय और बीटू सोनार, और 3 बेटा है भाजू सोनार का, संतोष, पवन और छोटका नाम की धनराज सोनार। उसके बाद उसका घर में 3 महीना दामाद आया था, वो था। उसके बाद में एक ठो उसका मौसी का लड़का था जो आकाश नाम है, वो था। उसका घर का औरत लोगों थी तिलावती देवी, गीता देवी, और ठो उसको बेटी है जो उसका नाम है सरस्वती, और एक है रीता देवी, है ना। 5 ठो उसका घर का औरत आई थी, और कम से कम 10 ठो मर्दाना सब मिल के आके घर में मारपीट करने लगा। घर घुस गया, प्रशासन वाला आया, तलवार ठोक रहा था वो, आके प्रशासन वाला को बुलाए, 2-3 मरते हम लोग कॉल किए, वो लोगों ने आके जब धमकी देने लगा कि हम लोग हैं साइबर का, पैसा हम लोग के पास है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, और मेरे हम ललखंडिया हैं, तुम लोग को घर से उठा के काट सकते हैं, हम लोग 6 इंची छोटा कर सकते हैं, हम लोग को इतना पावर रहता है। तो हम लोग घर के अंदर से ही फ़ोन किए थाना में, थाना पर आया, उसके बाद हम लोग को दरवाज़ा खोलाया। क्या नाम हुआ आपका? दुलारी देवी। घर कहाँ हुआ? छछंदो। दीवार गिराने पर आरोप लगाया, इस पर क्या कहना है आपको? मेरा कहना है इसका दीवार हम लोग जानते हैं, किस तरह से गिरा ना गिरा वो हम ना जाने ही है, बुझ लो। हम इनके काल हलो ये थी एकादशी निर्जला, तम दिन सब परिवार सुतल लिए, फाल के बहुत जोर धूप हले, इसीलिए हम बाहर ना निकल लिए, बुझ लो। अगर देवाल अपने गिरल ने के गिरल के ना गिरल के हम ना जाने हैं, और वकर चलते हमरा झूठ ये घास सब करे है, और ककरे बलगर से ना पारे तो हमरा पर झूठ जा है। सगर अगर 1 बजे के 1 बजे अपन देवला पर हम बढ़न धर लिए से देवला के अभी वाला बता ना कि अभी क्या हुआ। हाँ तो यार अभी तब रतिया में जब झगड़ा उगड़ा हो गया ना, तब फेकर घर के औरतियन की कहाल के जब हम निर्जलवा का दस्य से बकाय लगे ना इनके अंगनवा में सुत लिए, तब की कह रहे हैं टूबा पखला चढ़ के और बजार दी, और अगर बैठमैन की कह पहले ये देवला हमर देवला देखो ये दलियो देवला से गल के पहले अगर देवला गिरा ले तकर बाद एकर से पड़ब बुझल, और हम इनके को लवा धक्का नहीं एकर नहीं एकर से हमरा लवा धक्का है नहीं वकर से लवा धक्का है, अगर झमेला हम इनके मर गए हल, और अगर बपे की कहल के हमरा अगर बपे जब हमरा की कहल के जब इस हमारे हलो नतेदार है बुझल नतेदार हल की कहल के कि हमरा देवला सोच करके दिए दे तकर बाद तुम एकर सोच तुम रह जो एकर सोच हमरा बार हम इतना तक ले के लिए बाबू कि ये बाबू से हम तोरा मेहरबानी करके कहियो जे हमर घरा ना धासो और हमर घरा ना पड़ो, और हम तोरा जब हमर ननिया सास के हिस्सा सब ले लेले और हम ओकर बुक आदो कर लिए हम खरीद के ले लेंगे और खरीदलहो सब तुम ले लेब करो हाँ से हमरा इतना रह दे बाबू ये बाबू गोर पर रहो वो हरिया जखने काटे ला ले बाबू घर चाला काटे ला ले बाबू तखने हम वो हरिया पर गिर गए वो फोटो हम लगा के दिखा देव सगरे जरा बुझना सगरे तब तखन की कल या तोरा हम जरा सूखल गाछ फाड़े तखने फाड़ दीवार गिरा उस पर आपको कुछ नहीं जानकारी ना कोई जानकारी ना बाबू हमरा जहाँ कहते नहीं ये कहे कि दुर्गा मंडा हेल के कि बोलिए हैं जाने है यार ये ना हमरा कहल के क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा रीता देवी पुष्पा देवी हमारे ननद है ना वो निर्जला एकादशी कर लेना जानकारी ना है बुझना अरे ना पर सोच के हमरा घर सब दिन पड़ल है हमें ननियो सास के डंगा के बाहर कर दल के सब जगह जमीन छीन के अभी जो खरीदा रहा वो ये
चार हाथ लेके यार अपन घर ढलाई लग कर दिया यार यदि या कर यहाँ घर ना चढ़ा दे ले फिर यहाँ देखो ये देखिए या वही देवला देखो सब रात पे हम सब देख रहे हैं देखो सरकारी जमीन है क्या सरकारी जमीन यहाँ यहाँ ये घर दे दे बुझलो तो सरकारी जमीन यान के हम सब देवाल निकालियो तब एक घर ना देख यहाँ कर लीजिए यार मैं हम देवाल देख तिलर वाला था कौन नहीं है छत गिरवेलो तखन सरकारी ना पेलो तब सरकारी ना के जमीन में सब बोल को कि बोल नहीं अथी जे पटरुआ ठोकले से पटरुआ ना उठेल ना उठवेल रजमिया बोल ना उठबे उठेबे तराजू रजमिया जब ना उठवेल होले तब जमीन में कहल के कि उठाइए पटरुआ तब उठेल के तकरो बाद के अपना फाका छोड़ दल के मने हमर खरीदलहा में कहाँ देते ननिया सास के हिस्सा और बखरा खाली हम हमर खरीदलहा में अपना यहाँ लेके और नतीजा नन्हा नतीजा हमरा ईरा मार ले बाबू सगरे सुसे देहा चूर दे ले पछलास मार मार के तम हम इतना सह क्या कर बर्दाश्त करके रहा लीजिए ऐसा हम सोचे रहे कि दो घर सुना रही है बन के रहा बुझल अरे एक इतना अपन करजवा काट के मांगे लग रहा सब बियाह है शादी में सब दे दे बुझल अरे ऐसे ये यहाँ तखने भयवा हो जाए दुश्मन और भवैया हमार हित हल हमार ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।